ना हमारे को घर मकान दे रहे हैं, हमारा सामान भी दब गया जल्दी जल्दी में, जो निकाल पाए निकाल लिया हमने, नहीं तो हमारा सामान सब दब गया। बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पा रहे, पोता पोती मेरे, और यहाँ बैठे हुए हैं। सारा काम धंधे सब छूट गया, मैं बेलदारी करता हूँ, ठीक है। अभी मेरे लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, 15 दिन रह के आए वहाँ से, अभी लेके आया हूँ इसको, इसको निमोनिया हो गया था। ठंड के अंदर हम बच्चों को लेके यहाँ पे पड़े हैं, हमारे प्रधान को मारा गया, हमारे पे लाठी चार्ज करी गई, हमारे को सहायता नहीं हुई। ये मेरी झोपड़ी है, ये मेरा हाल है, हड्डी डिवाले एक ने देख लिया, आ जा हर चले जा, मैं देख लूं। रहने का खाना पीना सहना सब अच्छा है, मगर प्रॉब्लम ये हो रही है कि आने जाने की गाड़ियों की दिक्कत है। अब देखो खाली परेशानी है, आने जाने की परेशानी आने जाने में बहुत क्या मिल जाता है। वहाँ पे क्या होता है, रात को भी चल जाते हैं, जब हमारे दिन भी चल जाते हैं, वहाँ पे पास में हमारे साधन मिल जाता है। जहाँ यहाँ रखे हुए हैं ना कैंप में शौचालय, वो गंदे गंदे है, वो गंदे रहता है, सारे गंदे नीचे भी गंदे है, ऊपर भी गंदे है, सारा गंदा ही गंदा। जब हम रहते थे कठपुतली कॉलोनी में, पास के पास स्कूल थे, सारे स्कूल पास में ही थे, सरकारी स्कूल पास में जाते थे बच्चे, वो भी पास में ही थी। यहाँ का कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है, वो सब दवा ले सके हम। चूल्हा नहीं जलाने देते थे, नहीं तक जलाने देते चूल्हा, क्यों नहीं जलाने देते थे? बिल्डिंग दिए हमने तुम्हारा चूल्हा जलाने के लिए, थोड़ी दिए ले पानी, यहाँ खाना नहीं है, रोटी नहीं है, अभी अब मैं भीख मांगने लग गई, क्या करूँ बच्चों के लिए। ये पहली क्लास में सरकारी में, अभी ये भी था इनका नाम, अभी टीसी मिली नहीं है, बोल रहे टीसी मिलेगी तो अभी यहाँ एडमिशन।